जस्ट इत वो 600 वाट्स मट इत वो 1200 वाट जस्ट उ ट्रायल का स्पीकर यूस पड़े Hello viewers, how are you? As usual, I sanitize my hand. So this is the combo language. This is the review for the sound review. This is the sound review. என்னட்ட கேட்டிருந்தாங்க இதோட எப்படி சவுண்ட் எஃபெக்ட் இருக்கும். நான் மூணு மாடல் சவுண்ட் எஃபெக்ட் காட்ட போறேன். சோ அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இதோட கனெக்ஷன்ஸ் நான் காமிச்சிடுறேன். கனெக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா this mobile I have used for the output for the and the wire input inside this. Okay, this is the and this is output 4 ohms output I have taken for the JBL speaker. Okay, this is the SRX JBL passive speakers. So JBL ka ye imported speaker hai. So ye paathina ungalku eppadi idoda sound review irukku na ungalku kaamikiren. You have see the papers here, konja thick paper da idu. It's not a 70 GSM, 80 GSM. It's more than 120 GSM. Konja heavy paper idu. So yedhuku na indha paper vechirukena, ye paper maine isliye use kiya taki aapko pata le jayegi isme bass aur effect kaise nikale. Waise ye speaker bahut halka hai. The speaker romba idhukku romba lower idhukku. It just idhu vandu 600 watts mattum dhaan. Idhu vandu 1200 watts just ungalku trial ka indha speakers use pannirukku. So now I have first put on the speaker. सबसे पहले मैं स्पीकर को ऑन कर लेता हूँ. द स्पीकर ऑन बन इन द यूनिट ऑन बनोने इधर लाइट एरियो ब्लू लाइट और एरियो वेट फॉर द ब्लू लाइट. इट्स इंडिकेट द एम्पलीफायर इज ओके रेडी फॉर द आउटपुट. नाउ दिस इज द मेन वॉल्यूम. नाउ दिस इज द मेन वॉल्यूम. आई स्टार्ट द साउंड. नाउ आई स्टार्ट द साउंड चेक साउंड रिव्यू फॉर द जे बी एल एस आर एक्स पैसिव स्पीकर. 300 वॉट्स के दो स्पीकर हैं. टू स्पीकर इन साइड दिस 300 वॉट्स. वन इज ए ड्यूलकॉन एंड वन इज ए बेस. सो यू कैन हियर द साउंड. हेडफोन यूज पनी है. यूज द हेडफोन. हेडफोन यूज करके आप चेक कर सकते हैं मैं साउंड कैसे. मैं आपको दिखा दिस इज द मेन वॉल्यूम. दिस इज द मेन वॉल्यूम. दिस इज नॉट ए A4 पेपर. इट्स नॉट ए नॉट 70 mm. ये ज़्यादा GSM का पेपर है लेकिन काफ़ी अच्छा बेस इसको मिल रहा है जिस वजह से ये इफेक्ट इस तरीके से. अब मैं इसमें से बेस हटा देता हूँ. अब साउंड देखिए कैसा लगता है. बेस अनाइड तो उठ रहे हैं अपडी बार. ஆன்லி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி HF மட்டும் வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ நான் மிட் யூஸ் பண்ணுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. So next one I use the same one. मिड எடுத்து விட்டேன். மிட் மேன் ஹட்டா தியஸ் மெசே. பாத்தீங்கன்னா இதோட ரிவ்யூ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. நான் ஒரு சீக்கிரமா உங்களோட சவுண்ட் ரிவ்யூ மட்டும் காட்டிடுறேன். செம எஃபெக்டிவா இருக்குது. செம பேஸ் கிடைக்குது. நான் ஒரு இன்னொரு சொல்லிடுறேன். இந்த ஆம்பிளிஃபயருக்கு இந்த ஸ்பீக்கர் பத்தாது. இஸ் ஆம்பிளிஃபயருக்கு இல்லை. ஸ்பீக்கர் பகுத் ஹல்கா. 15 இன்ச்சுக்கு தோ படே படே பேஸ் லகா தேங்க.
छाती पूरा हिल जाएगा इस तरीके से, मतलब आवाज़ इसमें से भाई रहे। अगले रिव्यू की ओर चलते हैं, अगले एम्पलीफायर की ओर चलते हैं। SSA 300 और 350 मॉडल सेम मॉडल, मैं आपका पीछे इसका कनेक्शन भी दिखा दूंगा, अदरवाइज कनेक्शन काम नहीं कर रहा। अड़ता मॉडल SSA 300 350 के नारा नंबर बोला। सो दिस वन ऑफ बटन, तो रेड को रेड में दे दीजिए, पॉजिटिव प्लस का जो भी साइन होता है उसे आप फॉलो कर लीजिए। वैसे अगर बदल के देते हैं तो ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, एक दो स्पीकर यूज़ करते हैं तो, लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्पीकर यूज़ करते हैं तो फ़र्क पड़ सकता है। अब मैंने इसको लाइन X2 में दे दिया, अब मैं इसको ऑन करता हूँ, और जैसे ही मैं ऑन करता हूँ ये इस तरीके से ऑन होता है। मैं X1 में इसको दे चुका हूँ और अब इसे मैं चला के देखता हूँ। बहुत बढ़िया साउंड है, काफ़ी अच्छा साउंड इफेक्ट मिल रहा है। अलग क्रिस्पी आ कटेगी, देख क्रिस्पी साउंड बहुत अच्छे से मिल रहा है। थोड़ा सा बेस का पावर कम हो गया क्योंकि एम्पलीफायर का पावर कम हो गया 1200 वाट्स कंपेयरिंग विद 300 SSA 300 350 वाट्स। थोड़ा सा बेस तो ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन पता इन द स्पीकर की तो पूर्ण मानद इन द स्पीकर की ये ठीक है, इस स्पीकर के लिए बहुत बढ़िया है SSA। सो नेक्स्ट वन वी आर गो टू 60। तो साउंड रिव्यू कैसा लगा, सीक्रमा सब्सक्राइब पनीरेंगे और अद मटे लगा लाइक कमेंट्स पनीरेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, कमेंट्स कर लें। मैंने एक ही कम्बो लैंग्वेज बना दिया, टाइम भी नहीं होता, तो इसलिए मैंने क्या करा, साउंड देखना है तो साउंड आपको सबको समझ आएगा, साउंड एल आर में पूरी आना रेंडतुक से वो लैंग्वेज आप पोटें इपे पास सुनेंगे। सेम अगेन ऑलरेडी आई टोल्ड टू यू, जितने लोअर मॉडल होते हैं लगभग जितने असम्बल्ड मॉडल होते हैं எல்லாத்துலையும் இது மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும். காமில் ஒன்று நம்ம போட்டு விட்டுறேங்க. அடுத்தது 8 ohms, 8 ohms 4 ohms-க்கு பாரு மகர் அப்போ ஜானா 8 ohms 4 ohms-ஐ பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிடணும்னா யூ கேன் கமெண்ட்ஸ் வாட் இஸ் 4 ohms, வாட் இஸ் 8 ohms அண்ட் வாட் இஸ் 2 ohms. யூ கேன் கமெண்ட்ஸ் இன் திஸ் கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ ஆர் நியூ இன் அவர் சேனல். देखते हैं ये कैसा साउंड देता है। ठीक है, ये बेस है, इसमें डायरेक्ट है, मास्टर नहीं दिया गया, इधर मास्टर कुड़कल है। साउंड है केकले हैं, सुतमा वॉल्यूम केकले। अच्छा, तो इसमें 60 वाट्स के एम्प्स में तो ये स्पीकर आवाज़ कर ही नहीं रहा, आपको भी पता है किसलिए नहीं कर रहा, तो ये तो बिल्कुल छोटे स्पीकर के लिए ठीक रहेगा, जो छोटे छोटे स्पीकर 100 वाट के 50 वाट के जो छोटे छोटे घर में भी लगाते हैं ट्विटर टाइप के, छोटे स्पीकर के लिए सही है, लेकिन इस तरह के एम्पलीफायर को तो उठाएगा ही नहीं। कम से कम इस तरह के एम्पलीफायर के लिए 100 वाट्स का एम्पलीफायर होना जरूरी है, थोड़ा सा आवाज़ करने के लिए भी, तो इसमें तो ये बिल्कुल ही नहीं। इन द एम्पलीफायर ला सुतमा एडका दे मेरे स्पीकर इधर चिन्ह चिन्ह हॉर्न चिन्ह चिन्ह स्पीकर அதுதான் இது யூஸாக இருக்கும். எல்லா லிங்க்கும் உங்களுக்கு இந்த சவுண்ட் ரிவோட எல்லா லிங்க்கும் நான் ஐ பட்டனில் கொடுத்துறேன், சாரா லிங்க் மேம் ஐ பட்டன் மேம் தேதா ஹூன். இசே பலே கோன் கோன் சே ஆம்ப்ளிஃபையர் ஆர் டிஜே செட்ஸ் ஆர் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஹம்னே அன்பாக்ஸ் கியே ஆர் ரிவ்யூ தியே ஹுவே, ஆப் ஜாகர் வா தேக் சக்தே ஹேன். எல்லா ஸ்பீக்கரோட லிங்க் நான் கொடுத்துறேன், பாக்ஸோட லிங்க் கொடுத்துறேன், டிஜே ஐபோன் லிங்க் கொடுத்துறேன், ஐ பட்டனில் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துங்க, சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நிறைய சோ மெனி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ் ஒரு சில கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, சீக்கிரமாக இதோட சவுண்ட் ரிவ்யூ போடுங்கன்னு एक दो जनों ने साउंड रिव्यू के लिए मुझे कमेंट्स किया था, तो इसलिए मैंने एक कम्बो ऑडियो वीडियो बना दिया, क्योंकि आपको सिर्फ साउंड सुनना है, उनको साउंड मटा केकन आना सोली ना रेंड लैंग्वेज में पोल। सो अदर की सेफ आर रहेंगे, सिक्योर आ रहेंगे, गॉड ब्लेस यू, और आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। बाय बाय।